बहुत साफ है और ये काफी जहरीला होता है। यहाँ पे मिट्टी दिखाइए, यहाँ पे जेसीबी से मिट्टी खोदने का काम चल रहा था, इसी क्रम में ये सांप दिखा। और अजय जी हैं जो जेसीबी को ऑपरेट कर रहे हैं, तो इनके द्वारा हमें सूचना मिला कि एक सांप वहाँ दिखा है, यहाँ पे हम आए, यहाँ पे ये देख रहे हैं। तो ये कॉमन क्रैत है, ये काफ़ी जहरीला सांप है। हट जाओ बाबू, हट जाओ साइड से। और इसे हम रेस्क्यू करते हैं। ये करात है, देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, थोड़ा साइड में आइए, जानकारी देते हैं। बचाओ, थोड़ा दूर हो जाओ, कैमरा में थोड़ा नजदीक आ जाइए। ये करैत सांप है और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत है। बहुत लोग सोचते होंगे कि ये सांप में जहर नहीं है, पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए सांप को हैंडल ना करें, ना छुएं। सांप अगर कहीं दिखता है तो हमें बुलाएं, हम सांप को रेस्क्यू करेंगे और इसे सुरक्षित जंगल में आज़ाद करेंगे। देखिए करैत सांप खास करके ठंडा के समय में, नहीं नंबर बता दीजिए आप, पता निकलता है और मोबाइल नंबर स्क्रीन पे रहेगा, वहां से आप नंबर मेरा उपलब्ध कर सकते हैं। मेरा YouTube में चैनल चल रहा है शर्मा स्नेक सेवर मिसरोल के नाम से, तो इसे हम डब्बा में पैक करते हैं। डब्बा किधर है? और सुरक्षित इसे जंगल में आज़ाद करेंगे। वीडियो मेरा अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये सांप जो हम जंगल में आज़ाद करेंगे उसका भी वीडियो आप लोग को मिलेगा, मोबाइल में सर्च करना है शर्मा स्नेक सेवर मिसरोल, देखे बाबू ढक्कन, तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। और इसे अब हम पैक करते हैं। हमारे साथ ये कामेश्वर प्रजापति जी हैं जो इस टाइप का या किसी भी तरह का सांप कहीं दिखता हो तो पकड़ने में काफ़ी मदद करते हैं और हमारे सहयोग भी हैं। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार। नमस्कार। अरे बंद करने नहीं आता इसको। कैसा आदमी है ये।